हर व्यक्ति खूबसूरत एवं गोरा दिखना चाहता है और इसी चाह में अपने चेहरे पर बिना डॉक्टर की एडवाइस से कुछ भी क्रीम मतलब स्टेराइड क्रीम का यूज कर रहा है और अपने चेहरे की स्किन को खराब एवं कतला कर रहा है और फिर पता नहीं चेहरे पर क्या क्या प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, फिर मजबूरन वही क्रीम उसको लगाना मजबूरी हो जाती है। इसी तरह की क्रीम जो आजकल बहुत ज्यादा चेहरे पर यूज की जा रही है, बेटनोएट सी के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या क्या कॉम्पिटिशन है, इसके फायदे, इसके नुकसान और कहां कहां इस क्रीम को यूज करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश शाक और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ। बेटनोएट सी का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, लेकिन आप अपने चेहरे पर लगाकर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे आप अपने चेहरे को तो खराब कर ही रहे हैं, साथ में साथ आप बेटनोएट सी को भी बदनाम कर रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं बेटनोएट सी के बारे में। ये गैलेक्सो स्मिथ केलाइन द्वारा बनाई गई है, इसमें होता है बीटा मेथासोन और दूसरा क्लिक्यूनोल होता है। चलिए बात कर लेते हैं बीटा मेथासोन के बारे में। ये एक स्टेराइड दवा है, ये शरीर में एलर्जी एवं खुजली पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मार देती है और ये एक एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग का भी काम करती है। क्लिक्यूनोल ये एक एंटी फंगल एवं एंटी बैक्टीरियल दवाई है, ये त्वचा पर होने वाली फंगल और जलन को खत्म करता है, फंगल को अपना सुरक्षा आवरण बनाने से रोककर उसके विकास को रोकता है। चलिए इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो इसके इतने कोई ज्यादा साइड इफेक्ट है नहीं, यदि आप गोरे होने के लिए इसका चेहरे पर यूज करते हैं तो आप स्किन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे चेहरे पर मुहासे एवं फुंसियां होने लगती है, चेहरे पर चकते पड़ने लगते हैं एवं स्किन में खिंचाव होने लगता है, चेहरे पर स्किन पतली पड़ने लगती है और पतली पड़ने के साथ साथ चेहरे पर कहीं सफेद एवं कहीं काले निशान एवं धब्बे पड़ने लगते हैं। बेटनोएट सी क्रीम में स्टेराइड होता है, जब तक आप गोरे होने के लिए इस क्रीम का यूज करेंगे अपने चेहरे पर तब तक ही आपका चेहरा गोरा एवं चमकदार दिखाई देगा, लेकिन इस क्रीम का यूज करना आप बंद कर देंगे तो आपका चेहरा पहले से भी ज्यादा काला एवं भद्दा दिखाई देने लगेगा, जिससे आप फिर से वही क्रीम का यूज करना पड़ेगा। बस मेरी तो यही सलाह है कि यदि आप इस स्टेराइड बेटनोएट सी क्रीम का यूज अपने चेहरे पर कर रहे हैं तो प्लीज आप आज ही बंद कर दें। वैसे आप कहीं पर भी इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन आप चेहरे पर प्लीज आप इसका यूज मत करिए। चलिए इसके यूजर्स के बारे में बात कर लेते हैं, इसको कहां कहां यूज करना चाहिए। मैं एक बात और बताऊं आपको, इस क्रीम को यूज एक कंडीशनल रूप में ही करना चाहिए, इसका यूज आप शरीर में होने वाली एलर्जी खुजली में कर सकते हैं, स्किन में होने वाली किसी भी तरह की इन्फेक्शन में कर सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन में कर सकते हैं, शरीर में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कर सकते हैं, सूजन एवं जलन एवं रेसेस में कर सकते हैं, किसी भी तरह की फुंसी फोड़ा एवं चेहरे पर पिंपल्स के दाग हो जाते हैं उनमें भी आप इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात और मैं बता दूं आपको, चेहरे पर गोरा होने के लिए आप बिल्कुल इसका यूज ना करें। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कोई भी क्रीम यूज करने से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें, और यदि आप अपने चेहरे पर बेटनोएट सी क्रीम का यूज कर रहे हैं और अपने चेहरे पर प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो रही है तो जल्द ही एक स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं ताकि आपको सही ट्रीटमेंट एवं सही सुझाव मिल सके। और यदि आपने पेंडन प्लस क्रीम का यूज किया है या आप पेंडन प्लस क्रीम का यूज कर रहे हैं या उससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं, वहां पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हेल्थ से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।